मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल के नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ जो है रोचक भरा जानकारी भरा जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो मैं आपको जो है अपने वीडियो के थंबनेल पे ही ये मैं बता चुका हूँ कि आज जो है आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने जो है अपने मार्कशीट में कोई त्रुटि पाते हैं या कोई गलती आपको नजर आती है तो आप अपने मार्कशीट में कैसे जो अपनी गलती को सुधार करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का 00 मार्क्स का अगर आपके मार्कशीट में आया है, जैसे कि आपका जो सीबीटी का एग्जाम आपने दिया उसमें मान लीजिए कि ट्रेड थ्योरी इंप्लायबिलिटी स्किल या वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपका जो 00 मार्क्स आया है तो कैसे आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। तो एनसीबीटी ने इसके लिए जो है आपको पोर्टल के माध्यम से ये उपलब्ध करवाया है सेवा कि आप अपना मार्कशीट में सुधार करवा सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो में और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और इसका आपको लाभ मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है, इसलिए आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, वहां पे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सुचारू रूप से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स अपने आप बोर्ड में जैसा देख पा रहे हैं कि नोटिस हमने लिखा है, इसमें लिखा है कि 40 मार्क्स अप्लाई फॉर करेक्शन जो है। तो जिनका जो है मार्कशीट में 00 मार्क्स आया है ये तीनों विषय में जो सीबीटी का एग्जाम दिए हैं जिसमें ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो कैसे आप सुधार कराएंगे वही मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जो है ncbtmis.gov.in ये आपको ओपन करना है। कहाँ जाकर के? तो गूगल या क्रोम में जाकर के आपको ये टाइप करना है। जब आप ये टाइप करेंगे तो आप वहां पर एक पेज ओपन होगा, उस पेज में जाकर के आप देखिएगा कि अलग अलग जो है ना कॉलम, जैसे सबसे पहले होम ITI फिर आपका जो है ना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन इस तरह करके रहेगा। सबसे अंत में जाइएगा तो आपका जो कॉलम रहता है वो रहता है आपका कंप्लेंट टूल का। तो वहां पे कंप्लेंट टूल्स में जाकर के वहां पे आपको जो है ना ग्रीवांस दिया हुआ है, ग्रीवांस में आप जाकर के वहां पे लॉग ग्रीवांस कीजिएगा। वहां जाकर के आप लॉगिन होइए, लॉगिन होने के बाद जो भी आपकी त्रुटि है वो वहां पे कंप्लेन आकर आप जाकर के पहले टाइटल लिखने के लिए आएगा जो आपका है, वहां टाइटल को ऐड कीजिए। उसके बाद जो है ना क्या गलती है डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको सबमिट मारना है। सबमिट मारने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको फाइल भी अटैच करनी है अगर मान लीजिए जो गलत है उसका। तो सपोज को हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर मांगी जाती है तो आपको वहां पे अटैच करनी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये जो हम ग्रीवांस और दूसरा माध्यम क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना कि सबसे पहले आप मार्कशीट वेरिफिकेशन में जाइए, जहां पे देखिएगा वेरिफिकेशन है वही NCVT MIS पोर्टल में ओपन होने के बाद ही मैं बता रहा हूँ। तो वहां पे देखिएगा कि मार्कशीट वेरिफिकेशन है, तो मार्कशीट वेरिफिकेशन में जाइए आप, वहां पे जो है आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है। अगर रोल नंबर डालना है तो 00 से शुरू होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है तो आगे का जो 20 है उसको हटा करके वहां पर आप जो है स्मॉल r लिखने के बाद बाकी सारा डिजिट को लिख दीजिए। उसके बाद एग्जाम का सिस्टम आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे दो सिस्टम दिया हुआ है, एक एनुअल दिया हुआ है और एक आपका सेमेस्टर दिया हुआ है। तो जो सिस्टम में आप एग्जाम दिए हैं एनुअल में दिए हैं तो एनुअल सिलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप सेमेस्टर में दिए हैं तो सेमेस्टर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो है ना आप फिर कैप्चर रहता है, कैप्चर को वहां पे डालिए और सबमिट मारिए। सबमिट मारने के बाद आपका क्या है कि मार्कशीट ओपन हो जाएगा। मार्कशीट में अगर 00 आपका मार्क्स है तो सबसे नीचे देखिएगा कि वहां पे ग्रीवांस लिखा रहता है जो ब्लू लिंक से आपको वहां पे इंडिकेट करता रहता है। उस ग्रीवांस को जब आप जो है ना वहां पे टच करते हैं तो आपका जो पेज ओपन हो जाएगा और वहां जाकर के भी आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो कंप्लेन दर्ज होने के बाद जो है करीब करीब 45 दिन के भीतर जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाता है और आप आसानी से जो है इससे निजात पा जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया और ये आपको जानकारी भरा वीडियो लगा होगा। अगर कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।